अस्सलामु अलैकुम जिले, उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हम हैं आगरा एयरपोर्ट पे और हमें जाना है जयपुर। तो ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि मैंने देखा है बहुत ही कम लोग यहाँ पर है। क्राउड आप देख सकते हैं, इट्स लाइक खाली, सिर्फ दो चार फॉरेनर्स हैं, बाकी पूरा खाली है। तो एयरपोर्ट अगर ऐसे हो तो मज़ा आता है सफ़र करने में, कोई वो नहीं, स्मूथली आप चेक इन बोर्डिंग शोर्डिंग सब कर पाते हैं। सो हम आपसे मिलेंगे जयपुर में, बने रहिएगा हमारे साथ। सो अभी हम एयरप्लेन में चढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही छोटा सा प्लेन है यार, आप देख लीजिए ना, इतू सा, एक प्राइवेट जेट जैसा। और अंदर भी देख लीजिए, वन नीड्स टू माइंड देयर हेड। एंड दो दो सीट ही है हर एक साइड पे, अदरवाइज नॉर्मली तीन तीन होता है ना, काफ़ी छोटा है तो अच्छा है। पैसेंजर भी ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ सीट्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। तो हम बैठे हैं और यहाँ हम पहुँच गए जयपुर। सो वेलकम टू जयपुर। और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने लगेजेस का। सो हमारे बैगेज आ रहे हैं, लेट्स वेट, फिर हम जाएंगे जयपुर की ओर। एक आगे हमारा ये है बैग और दूसरा लगेज ये वाइब्रेंट कलरफुल, मेरी तरह वाइब्रेंट है मेरा सूटकेस भी। तो हम एयरपोर्ट के बाहर निकले हैं अभी, एक टैक्सी या कुछ बुक करेंगे फिर जाएंगे जहाँ हमें रहना होगा। सो हमने एक कैब बुक करा है और हम जा रहे हैं चांदपोल की ओर, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया वहाँ पर जाने के लिए, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। मीनवाइल आप लोगों को बताती चलूँ, जयपुर जो है ये इंडिया का जो एक स्टेट है राजस्थान, उसका कैपिटल है। तो यहाँ पर आपको ना जो बिल्डिंग्स है वो सब बहुत ही वाइब्रेंट और कलर्ड दिखेंगे, स्पेशली पिंक, बिकॉज इसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, तो चांदपोल की ओर हम जा रहे, तो जाते जाते हम आपको जयपुर के बारे में कुछ बताते चलें। सो जो मैंने पहले आपको कहा ना कि इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसके पीछे का राज ये है कि स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि 1876 में जो वेल्स के प्रिंस थे ना, उन्होंने इंडिया विज़िट किया था एक टूर के दौरान। तो उस टाइम जो पिंक कलर है ना, उसको एज अ हॉस्पिटैलिटी, यानी हर एक कलर का अपने एक कनोटेशन या मीनिंग होता है। जैसे वाइट इज़ फॉर पीस, रेड इज़ फॉर लव और एंगर, ग्रीन इज़ फॉर अगेन पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, वैसे ही पिंक कलर को एज अ हॉस्पिटैलिटी सिंबलाइज किया जाता है। तो उनके ही स्वागत में, उनको वेलकम करने के लिए पिंक कलर किया गया था। उस टाइम के जो महाराजा थे राम सिंह, उन्होंने ही जयपुर को, पूरे जयपुर को पेंट करवाया था पिंक कलर में। दिस वाई इट्स कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए चांदपोल। एक होटल है मोहम्मदी होटल, हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अब खाना भी खा ले इतनी जल्दी, ओ माय गॉडनेस। अब हम कहाँ जा रहे हैं, या रूम देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं रुकना भी तो है ना। सो अभी हम जा रहे हैं रूम देखने, और हम गए एक दूसरी जगह रूम देखने, बट हमें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। एट द एंड ऑफ डे हम वापस आ गए चांदपोल की ओर, क्योंकि हमें पास में खाना भी अच्छा मिल रहा था और एट द सेम टाइम पास में रूम भी होगा तो अच्छा। वैसे भी हमें एक ही नाइट स्टे करना है, तो हम वापस आ गए चांदपोल की ओर। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इट्स माई फर्स्ट विज़िट टू जयपुर एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड काफ़ी यहाँ पर हमें एक वो कम्बिनेशन सा मिल रहा है कि जो रॉयल फैमिलीज का वो ज़माना, हिस्ट्री, और अभी का मॉडर्न, एक काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन। एंड जहाँ हम रुके हैं यहाँ से ये ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है, सामने है मस्जिद है कुरेशान कुछ था, और सनसेट का समय भी हो गया है। और ये रहा चांदपोल एरिया, बड़ा ही डेंस है, बहुत ही क्राउडेड है, और आजकल बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ा रहे हैं, कोई फेस्टिवल है कि क्या है, आई डोंट नो, बट या सो हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे पेंटेड, एंड एट द सेम टाइम ये जो फोर्ट्स का जैसे दीवार होता है ना, वैसे ही ये सारा एरिया भी
ऐसे ही है। तो अभी हम करते हैं रेस्ट और कल हम आपको अपने साथ घुमाने ले चलेंगे डिफरेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से यहाँ पर, लाइक हवा महल, जल महल और भी बहुत सारे हमने सुने हैं, तो हम उन जगहों पर हम कल विजिट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।